अंजलि तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। आज तक मौसी को किसी ने धोखा नहीं दिया है, पर तू तू है वो धोखा देने वाली। खेल खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? अरे तो खुल के खेल ना, रात में ऐसे छुप छुप के क्या खेल रही है? भूल गई वो दिन जब बिना चोरी किए तू जेल गई थी। कोठरी की वो खुशबू तो याद होगी तुझे, या वो भी भूल गई? उस बार तो तूने चोरी नहीं की थी, पर इस बार तू सच में चोरी कर। और वो चोरी कहाँ करेगी, कैसे करेगी, किसकी करेगी और कब करेगी, ये मैं बताऊंगी तुझे। अब देख, अगर चोरी के इल्जाम में पकड़ी गई या ना पकड़ी गई ये तेरी किस्मत, बाबा इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाली हूं, लेकिन चोरी करना मैं तुझे बताऊंगी, तो समझ गई ना? वैसे रात में चीजें ज्यादा समझ आती है, ठीक है ना? अब जा जा। शांता मौसी से टकराएगी। अंजलि। हे महादेव, अब क्या करें हम? अनुसादी दिन हमें पहचान लो तो सब गड़बड़ हो जाए। क्या हुआ अंजलि, नींद आ रही है तुम्हें? बोलिए बाबी, आपने मुझे आवाज दी। मोही, तुम सूट में, और वो भी मेरे सूट में? वाओ, फिट हो गया तुम्हें? नॉट बैड मोही, अच्छी लग रही हो तुम इस ड्रेस में। एक तो मुझे मॉडर्न अवतार ऑफ बुआना एकदम वैसी एकदम परफेक्टली फिट हुए तुम्हें मेरे कपड़े। पर बाय द वे, तुमने मेरे कपड़े पहन कैसे लिए? सारी अंजलि, हमने बिना पूछे तुम्हारे कपड़े पहन लिए। वो ही मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है, मैं कल ही आई से बात कर रही थी और आज तुमने। भाभी, यू नो व्हाट, मैं कल ही आई से कह रही थी कि मेरे कुछ सूट मैं मोही को दे देती हूँ पहनने के लिए। मतलब वो शॉर्ट साड़ी डाल के तो नहीं जा सकती ना कॉलेज? वो कहा है ना, कॉलेज के नाम से हमारा मन बहुत घबराने लगता है, रात को नींद भी नहीं आती। तो बिल्कुल सही,
पर मोही सच में तुम इतनी अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में। या मोही तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, भाभी और मैं तुम्हारा कंप्लीट मेकओवर कर देंगे ताकि जैसी तुम कॉलेज में जाओ हर लड़का तुम्हें कहे आह क्या लड़की है, क्या ब्यूटीफुल लड़की है। हम जे कपड़े शरद बेटा ये ना खाली चाय नहीं पीनी चाहिए, टोस्ट खा ले। थैंक यू मौसी। अब तुझे तो अपनी चिंता है नहीं लेकिन मुझे तो है, और जब तक मैं यहाँ रहूंगी ना बेटा तेरा ध्यान रखूंगी। मौसी जी मैं कुछ समझा नहीं। अब वो लोन के बारे में बैंक से डिटेल पता किए क्या तूने? वो मनोहर से तूने कहा था ना कि खुद जाकर बैंक से डिटेल निकलवा ले, उसका क्या हुआ? वो मौसी जी असल में ऑफिस में काम कुछ ज्यादा आ गया है तो इस कारण मुझे वक्त नहीं मिल पाया, और ऊपर से भाव की तबीयत भी कुछ खराब हो गई, तो मुझे लगा कि अभी इस तरह की बातों को टाल देने में ही भलाई होगी। जैसे तेरी मर्जी बेटा, लेकिन फिर तूने धमकी क्यों दी थी? तो पूरा ना कर सके? देख बेटा अगर आदमी अपनी कही बात को पूरा ना कर सके ना तो उसकी कीमत कम हो जाती है। और रही बात मनोहर की बीमारी की तो ये बहाना भी तो हो सकता है, तो हो सकता है तेरा ध्यान बटाने के लिए। अब मैं तुम तीनों भाइयों के बीच में नहीं आना चाहती और मुझे अधिकार भी नहीं, लेकिन शरद अगर मैंने ये बात कही होती ना तो मैं जरूर पूरा जरूर पूरा करती। अरे मौसी सुबह सुबह क्या ज्ञान दे रहे हो आप शरद को? मौसी मेरी तबीयत के बारे में पूछ रही है, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा शरद, लेकिन उसके लिए आपको भी तो इस घर के लोगों का ध्यान रखना होगा। आप उनकी जरूरतों को समझेंगे तो ही वो आपकी जरूरतों को समझेंगे। और इसके लिए आपको किसी से ज्ञान लेने की या किसी का प्रवचन सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप समझ गए ना मैं क्या कह रही हूं? शरद बेटा मैं चलती हूं। इस परिवार के लोगों का जल्दी कुछ करना होगा, कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं और मुझे कुछ ज्यादा ही समय लग रहा है इनके पर कतरने में। जल्दी कुछ नहीं किया ना तो मेरे लिए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हाँ करती हूँ। ये कैसे हो सकता है, हमने तो एडवांस दिया था उसे। कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ वो पूल वाले ने कुछ बिल में कुछ गड़बड़ी कर दी है। आप मधुर से क्यों नहीं पूछते? उसी ने फूल वाले से बात की थी, शायद उसे पता हो। हाँ शायद तुम ठीक कर रही हो, पूछना तो पड़ेगा। मैं जाकर पूछ कर आता हूं।
आप हो आइए, तब तक मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। हाँ हाँ, मैं जब तक ये हिसाब जोड़ नहीं लूंगा तब तक मेरा दिमाग उसी में उलझा रहेगा। चाय किसके लिए ले जा रही है? मौसी जी के लाने। काकुमा, आपको भी चाय चाहिए? नहीं नहीं, मुझे भाऊ के लिए दूध लेकर जाना है। तू जा अपना काम कर, मैं बना लूंगी। ए रुक, चल। अभी ना चोर पुलिस का खेल खेलने का समय आ गया, तैयार हो जा। देख, मनोहर के कमरे में जा, उसके बिस्तर के नीचे 1,00,000 रुपया रखा है, उसे लेके आ जा। अब जा जल्दी, वरना तेरी चिट्ठी का राज सबके सामने खोल दूंगी, फिर तेरा कच्चा चिट्ठा निकल के बाहर आ जाएगा, वो तेरा शहरी बाबू है ना, वो भी बेचारा जेल में सड़ता रहेगा। इसीलिए कह रही हूं, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। मानती हूँ रे, ये गाना पुराना है पर इस हालत में एकदम सही बैठ रहा है। अब तू जाती है कि मैं? नहीं, तेरे पास है ना सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट में ये काम हो जाना चाहिए। और अगर पकड़ी भी गई ना तो मेरा नाम मत लेना, ऐसे कोशिश करना कि पकड़ी ना जाए। वाह, मसाले वाली चाय पीने का मजा ही कुछ और। अभी ना चोर पुलिस का खेल खेलने का समय आ गया। मनोहर के कमरे में जा, उसके बिस्तर के नीचे 1,00,000 रुपया रखा है, उसे लेके आ। फूल वाले को एडवांस दिया था, एक्चुअली बाद में क्या हुआ, उसे मेन गेट के पास फूलों का गेट बनाने का दोबारा से ऑर्डर दिया, इसलिए अमाउंट बढ़ गया। अरे हाँ, तू सही कह रहा है, ये मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, चलो ये तो हो गया। भाव, 1 मिनट। जा जल्दी, वरना तेरी चिट्ठी का राज सबके सामने खोल दूंगी, तेरा कच्चा चिट्ठा निकल के बाहर आ जाएगा, वो तेरा शहरी बाबू है ना, वो भी बेचारा जेल में सड़ता रहेगा। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मुझसे कोई भी काम हो
अपने कमरे में उबला लीजिए। क्या है, डॉक्टर विनय ने आपको आराम करने के लिए कहा है और आप घूमते रहते हैं? अरे मुझे घर के बाहर तो जाने नहीं दे रहे हो, घर के अंदर ही वॉक करने दो। कामखा सब लोग पीछे पड़े। एक मिनट, फिर भी मेरी इतनी केयर करने के लिए शुक्रिया। चलिए मैं आपको आपके रूम में छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तक आया हूँ, जा भी सकता हूँ। बीमार बना के रखते हो एक आदमी को। अरे भाई को, तुम मुझसे पहले आ गई दूध लेकर? हाँ अभी अभी आई। बहुत फास्ट हो भाई, मैं थोड़ा तेज चलूं तो सांस फूलने लगती है, लेकिन काम हो गया, मधुर ने सारा हिसाब किताब ठीक से समझा दिया मुझे। अब ऐसा करते हैं, इनवॉल्व में भर के सारे पैसे जो बचे लोगों को दे देते हैं। तो अरे पैसे कहाँ गए? पैसे आप टेंशन मत लो, यही होंगे। नहीं, यही रखे थे। हाँ, होंगे इधर ही। अरे नहीं, यही तो रखे थे, पैसे कहाँ गए भाई को? ये सफाई से तूने चोरी की? ये बड़े से बड़ा चोर भी इतनी सफाई से चोरी नहीं कर सकता। तेरे में इतने गुण हैं तो मुझे पता ही नहीं था। मौसी जी, आज तो हमने आपकी बात मान ली, पर आज के बाद हमसे ऐसा कोनो भी काम मत करवाइएगा। हम आपके आगे हाथ जोड़ते, हमारी मजबूरी का ऐसे फायदा मत उठाइए। देख, फायदा तो मैं उठाऊंगी, पर कितना उठाऊंगी ये बात की बात है। अभी तो तेरी चाबी मेरे हाथ में है, तू मेरी हर बात मान रही है, लेकिन कल को कब तेरा इरादा बदल जाए और तू मेरी बात ही ना माने, तो फायदा तो मैं उठाऊंगी।
फायदा कैसे नहीं उठाऊं? भाई वाह, आज तो सुबह सुबह एक तीर से दो शिकार हो गए, 1,00,000 रुपया भी मिल गया और मनोहर का सुख चैन भी छिन गया। पर एक बात तो है, खेल खेलने का मजा आ रहा था। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।